मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। महा एग्जिट पोल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम एक एक विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं वो आंकड़े जो 4 जून की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। अब ये झलक कितनी सही साबित होती है या गलत साबित होती है ये तो 4 जून को नतीजे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या कहता है पोल ऑफ पोल्स, ये टेबल के जरिए समझिए आप। ये पूरे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सर्वे सटीक बैठ रहे हैं किस पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सर्वे जो एग्जिट पोल के निकल कर आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पोल स्टार्ट ने बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया है और कांग्रेस को 0 पर रखा है। सी वोटर ने 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की बात कही है और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 की बात है, यानी कि एक ही कांग्रेस के खाते में दिखती नजर आ रही है। एक्सेस माई इंडिया में 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती दिख रही है, 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। और सीएनएक्स की बात करें तो 10 से 11 सीटें सीएनएक्स बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को। तो पोल ऑफ पोल्स कहता यह है कि 10 से 11 सीटें बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस ले सकती है, जो अभी तक के नतीजे 2004 के बाद से रहते आए हैं। 2019 में बस 2 सीटें कांग्रेस ने गेन की थी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रही है। ये तो प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था, छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो दावा है बीजेपी का 11 की 11 सीटों का, लेकिन मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। पोल स्टार्ट ने जो आंकड़े दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 29 सीटें दिखाई हैं और कांग्रेस को 0 पर रखा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में तो क्लीन स्वीप करती भारतीय जनता पार्टी पोल स्टार्ट के सर्वे में नजर आती है छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश में। एक्सेस माई इंडिया 28 से 29 सीटें बीजेपी को और 0 से 1 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने 26 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, 1 से 3 सीटों का अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया है। सीएनएक्स ने 28 से 29 सीटें जाने का अनुमान लगाया है, साथ ही 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई गई है। पोल ऑफ पोल से कहता है कि मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटों पर बीजेपी रह सकती है और 1 सीट ही कांग्रेस के खाते में जाएगी। कमोबेश ये 2019 के नतीजों की ओर इशारा कर रहे हैं। खैर, नतीजे क्या होंगे ये देखना होगा, लेकिन हम बताएं आपको कि पोल ऑफ पोल्स महा एग्जिट पोल के आंकड़े अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी और भी सर्वे हैं जिनके आंकड़े आना बाकी है और आकलन भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन असली नतीजे होंगे 4 तारीख को। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका वासु जी। अनुभव शुक्ला कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी तक का जो सर्वे बता रहा है, हमने आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाया, जितने भी अभी पोल एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो वासु जी आपके लिए तो गदगद होने का विषय है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में आप संतुष्ट रहते हैं कि 10 से 11 तक तो आती ही आती है, वो 1 खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर तृप्ति जी, क्योंकि आप देखिए, अगर पिछले समय हम जब पिछले लोकसभा का अपन देखते हैं 2019 में बीजेपी के जब विधानसभा हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम करारी हार से 3-4 महीने ही पहले नहीं उभरे पाए थे, और 4 महीने के बाद जब चुनाव हुए और मोदी जी का चेहरा सामने आया
तो जनता ने 4 महीने के बाद ही वो पलट दिया और मोदी जी को 11 में से 9 सीट दी। और अभी का विधानसभा चुनाव तो हम मोदी की गारंटी में लड़े हैं और मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ी जनता भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराते रहे। बहुत बहुत बधाई। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एग्जिट पोल्स को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और बीजेपी को बड़ी खुशी है, बीजेपी को विश्वास और भरोसा है, लेकिन कांग्रेस का क्या, इस पर भी बात करेंगे। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अब वासु जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, मैं यही कह रहा था कि हमारे पास आधार है जीतने का। आप देखेंगे कि जो 6 महीने की सरकार ने सुशासन स्थापित किया छत्तीसगढ़ के अंदर, वो पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ को नहीं दिखा। आप ये जो वादा कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना महिलाओं को देंगे, और पिछले विधानसभा में भी इन्होंने वादा किया था कि हम जीत के आएंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखा था हर हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 साल तक किसी महिलाओं को 5 रुपए नहीं मिला। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही लगातार उनके महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहे हैं 1-1 हजार रुपए। तो जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। और मोदी जी की जहां बात हुई, मोदी जी का सुशासन है पूरे देश में। आज जीडीपी का रोना रो रो के बात करते थे, आज कल का अखबारों में, आज बड़े बड़े अखबारों में देख लीजिए, जीडीपी के ग्रोथ 8.2% है, जो ये 7% भी IMF और RBI मानता था कि इतना होगा, लेकिन उससे बढ़ के 8.2% है। तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की ओर प्रदेश जा रहा है। ठीक है, अनुभव जी ये क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी तक तो झटके पे झटके ही दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। एग्जिट पोल के जो मैंने नतीजे अभी जो देख रहा था, तो उससे मुझे एक बॉलीवुड की एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, वो आपके साथ साझा करता हूँ। इतनी सी हल्दी पूरे घर में मल दी तो जवाब दो जल्दी, इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। बातों को गोल गोल घुमा के ये बात पे हम पे एक संदेह था ही कि जो एग्जिट पोल आएंगे वो इस तरीके के झूठे और फरेब वाले आएंगे। इसलिए हमने कांग्रेस के रूप में ये तय किया था पहले कि हम एग्जिट पोल के जो डिबेट्स हैं उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, जब इंडिया की गठबंधन की बैठक हुई उसमें जब ये निर्णय लिया गया तो हमने ये निश्चय किया कि हम अपना पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अभी कह रहे थे वासु जी और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि 10 तक, मैं आपको बताना चाहता हूं 10 तक नहीं, आपके हार की 10 तक है, आपके हार की 10 तक है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो आपने फरेब किए, वादों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये शायद भूल गए कि 2003, 2008 और 2013 में भी इनने तमाम वादे किए थे, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता देने का, प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। क्या हुआ साहब उन वादों का? कुछ नहीं हुआ, वो भी खोखले गए। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात कर ले, मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूं क्या हुआ। आप अपने जो 10 साल के कार्यकाल है उसमें चुनाव लड़ लेते, आप बता देते आपने कितनी स्मार्ट सिटी बताई है, आपने बता देते कितनी बुलेट ट्रेन चलाई है, आप बता देते कि कितने किसानों की आय दुगनी हुई है, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है, उन पे आपने किया नहीं। मां से मक्का, मां से मदीना, मां से मंदिर, मां से मस्जिद, मां से मटन, मां से मछली, इसके अलावा और आता क्या है आपको? इसके अलावा आपको कुछ आता तो आप उन बातों पे चुनाव लड़ते। इस बात पे कोई संदेह नहीं है तृप्ति जी कि 4 तारीख को जो ये एग्जिट पोल है झूठे साबित होंगे, क्योंकि 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा और उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2004 का इतिहास दोहराने वाला यह देश, इंडिया शाइनिंग का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी चली थी और मुंह की खाई थी, इस बार भी वही होने वाला है। 4 जून का इंतजार करिएगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप इसे मायावी या जादुई मान रहे हैं बीजेपी के लिए, है ना, इन आंकड़ों को। अनुभव जी देखिए, मायावी और जादुई ये कहना, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, इतनी सी हल्दी पूरे घर में मल दी, जवाब दो जल्दी। ठीक है, मनीष जी आपको क्या लगता है, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे समझ में आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल अभी आना बाकी है, 4 जून को इंतजार करना होगा 4 जून का, आप अभी तक क्या आकलन लगा पा रहे हैं पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी? देखिए तृप्ति जी, लोकसभा का जो चुनाव है इसको लेकर के पहले से एक वातावरण बना हुआ है,
बावजूद इसके जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कई मुद्दे आए, इन मुद्दों के आधार पर जो प्रत्याशी जनता के बीच में गए, अभी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी हम पूरे देश के देख रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले भी इस प्रकार का एक वातावरण या एक नरेटिव जो है वो बना हुआ था। अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये अपने आप में एक चमत्कार होगा, और ये होगा कि ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता या एग्जिट पोल की विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं स्थापित होगी। पर कई बार लगातार ये देखने में आ रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे, एक दो जो कंपनियां एग्जिट पोल करती हैं उनके नतीजे थोड़ा सा वास्तविकता के आसपास रहते हैं, बट जो मैक्सिमम ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल है उनके नतीजे कभी भी पूरी तरीके से सच नहीं होते। और मुझे लगता है कि इस पर कोई बड़ी टिप्पणी करने के लिए मुझे लगता है 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। पर एक बात तो तय है कि अगर ये एग्जिट पोल सही है, इनको लेकर के अगर जो नतीजे उसी की हिसाब से आते हैं, तो मुझे लगता है कि प्री पोल जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जन भावनाओं को समझने में कामयाब रहे हैं। और जो एक चर्चा रही है लोगों के बीच में, क्योंकि इस बार जो मतदान हुआ है, मतदान में कोई वेव दिखाई नहीं दी, या तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो लोग पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना लिए हो कि भाई हमको इनको ही वोट देना है, दूसरा ये है कि लोग कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक अभी इंतजार करना चाहिए, पर जो जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खुशियों को बढ़ाने वाले हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे कर रहे थे, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है उनके दावों पर मोहर लगा रहे हैं। पर कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की है, अगर ऐसी ऐसा परिणाम अगर आता है तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी काफी हद तक अपनी रणनीति पर और चुनाव के मुद्दों पर कहीं ना कहीं उनको भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल मैं कर लेती हूँ मनीष जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे गूंजे हैं वो आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि जो जिस रणनीति के तहत बात की जा रही है, जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 मतलब टारगेट फिक्स कर दिया, तो आप समझते हैं कि एक जो माइंडसेट वाली बात आपने कही है कि लोग ने सोच लिया कि हम इसको वोट देंगे, ये वाकई हावी हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से अगर पूरे लोकसभा के कैंपेन में अगर आप देखें तो कहीं भी इस बात की झलक नहीं मिली कि कोई मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं, या कोई प्रत्याशी ऐसा है जिसके पक्ष में लोग जाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस बार मतदाता की जो खामोशी है वो कुछ ना कुछ मुखर रूप से होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में अब जो एक वातावरण आया है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया, ये पूरे चुनाव में कम से कम 5वें चरण के चुनाव तक इस बात को लेकर के विपक्ष को फरमाता रहा, कि विपक्ष इस बात को लेकर के जनता के बीच में ये बताते रहे कि बीजेपी 400 पार नहीं करने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं देखा। तो मुझे लगता है ये कोई एक साइकोलॉजिकल जो बीजेपी की एक रणनीति थी उसमें काफी हद तक जो है वो सफल रहे। अब परिणाम बताएगा कि उनकी ये रणनीति कितनी कारगर रही। मतलब ये है कि जिसकी चर्चा हम छेड़ेंगे आपको उस पर आना पड़ेगा, ये रणनीति देखने को मिली है मनीष जी जिस तरीके जो इशारा कर रहे हैं। लेकिन खैर वासु जी, आप तो हमें आप प्लस में ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में 10 की 10, अब उन एक सीट को लेकर, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक पंडित अभी भी गणित लगाते हैं कि फाइट तो कांग्रेस ने दी है, इसलिए क्योंकि तमाम दिग्गजों को उतार दिया, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, देवेंद्र यादव जो जीते दोबारा,
आपके दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे को दोबारा हराकर बिलासपुर भेजा उनको। इसके बाद महंत जी कोरबा में लगातार दूसरी बार डटे हुए हैं, कवासी लखमा को उतार दिया। तो ये जो चर्चित चेहरे कांग्रेस के हैं, क्या ये फाइट नहीं देंगे? आपको लगता है एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा? देखिए तृप्ति जी, आपने तीन तीन सीट की बात की। सबसे पहले मैं राजनांदगांव सीट पे आ जाता हूँ। ये भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव से पिछले 5 साल में सौतेला व्यवहार किया, ये वहाँ की जनता कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। और यहाँ तक जनता तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता मन से कह रहे हैं कि 5 साल तक आपको राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं की याद नहीं रही, और आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो राजनांदगांव आ रहे, तो कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। अब आप निकल के आ जाइए, देवेंद्र यादव जो बिलासपुर से लड़ रहे हैं, दुर्ग लोकसभा, दुर्ग लोकसभा के तीन तीन नेता अलग अलग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास नेताओं की कमी थी। क्या लड़ रहे हैं कोरबा से? नहीं, कोरबा से हमारे राज्यसभा सांसद है, लगातार वो सक्रिय रही है उस क्षेत्र में, तो वो लड़ रही है लगा। इनके पास ये कहते हैं कि देवेंद्र यादव, वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी एक तो अनशन में बैठ गए थे, और महासमुंद में पूछ रहे हैं लोग, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, भाई यहां के नेता नहीं थे क्या कांग्रेस की पार्टी के पास जो दुर्ग से लाके बैठा दिए? छत्तीसगढ़ में जनता ने ये देखा कि पिछले 5 साल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में कांग्रेस सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जो विकास नहीं किया, ठप रखा कार्यक्रम का काम को, कहीं ना कहीं वोट उसके लिए इनको नहीं मिला, और लोकसभा में भी जनता इनको सबक सिखाएगी। अच्छा विधानसभा, अनुभव जी, विधानसभा में अगर जनता ने सबक सिखा दिया, शिव डहरिया, तामोदर साहू, कवासी लखमा लटपट जीतना कहते हैं जिसे, भूपेश बघेल भी जो सीएम रहे हैं वो भी चुनाव जीते, तो उनका मार्जिन भी हमने देखा है, तो आपको नहीं लगता कि जिनके सिर हार का ठीकरा फूटा था उनको लोकसभा में आप लोगों ने हीरो बना दिया, तो वो लेके आएंगे क्या सीटें? देखिए, हार का ठीकरा फूटना जो आप कह रही हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल विनम्रता से अपने पार्टी की तरफ से इस बात को स्वीकार करता हूं, और कई मंचों पे ये बातें हमने कही हैं कि किसी प्रकार की चूक रही होगी, शायद हम अपनी बातों को जनता तक नहीं ले जा पाए होंगे 2023 के चुनाव में, इसलिए हमको शायद हार मिली हो, उसके अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अभी की अगर बात करूं तो जैसा वासु शर्मा जी कह रहे थे, मेरी हंसी छूट गई, नेताओं की कमी। मुझे ये बताइए वासु शर्मा जी, 116 कैंडिडेट जो आपने पूरे देश में खड़े किए वो दूसरी पार्टी से लाए आपने? 400 पार का 350 चमेली की एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चार चार छोटा कांटा भी चुपता है वासु जी, याद रखिएगा। जहां तक मैं कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि 116 नेता तो आपने इंपोर्ट किए हैं, आप अपने नेताओं को वोट टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप जो खड़े हुए नेता हैं जिन पे महिलाओं ने इतना आरोप लगाया, ब्रिजभूषण जी पे, उनको टिकट देके बता देते, वो चुनाव लड़के जीत के बता दे, उनके लड़के को देते हो आप टिकट, क्यों नहीं दी उनको टिकट? ऐसे तमाम नेता है जिनको आपने टिकट नहीं दी, जितने स्टैंडिंग विधायकों और सांसदों की टिकट आपकी पार्टी ने काटी होती तो इतिहास में किसी ने नहीं काटी, क्यों? ठीक है, क्या बात है, क्या कारण है? आपके पास नेता नहीं, आपका 5 साल का कार्यकाल का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन अनुभव जी एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं, भले 116 उतारे हो, लेकिन वो तो 380 तक एक आंकड़ा जा रहा है अनुभव जी एनडीए का। अरे मैं तो कह रहा हूँ, ये तो फिर भी जो इन लोग के आंकड़े आ रहे हैं, एक आध सिंध विंध और बलूचिस्तान में भी चुनाव करा दे तो 600-700 ले जाते हैं। आंकड़ों को क्या, स्टेटिस्टिक्स आर लाइक मिनी स्कर्ट्स, दे हाइड मोर देन व्हाट दे रिवील, उससे क्या फर्क पड़ता है? 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी। जवाब जल्दी से मनीष गुप्ता जी से आखिरी कमेंट लूंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी नेता खाली बयानबाजी तक सीमित है, इनको धरातल पे ना इनके नेता है, ना बूथ में वर्कर नहीं मिल रहे काम करने के लिए। आप जाके देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं बता रहा हूँ, बूथ में पोलिंग एजेंट तक नहीं थे, तो कांग्रेस की हालत तो इतनी खराब है। सारे आपने कैप्चर कर लिए उनके नेता, कैप्चर नहीं किया, वो आपको छोड़ के इनकी पार्टी की हालत डूबती नहीं है, तो देखते हो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है। हमको मेरे पास 1 मिनट है, आखिरी कंक्लूड कर देते हैं मनीष गुप्ता जी से। मनीष गुप्ता जी, इस चुनाव में छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में दिखा है कि पाला बदल पॉलिटिक्स खूब हुई है, बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है। मुद्दे जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने बोला या बीजेपी के नेताओं ने बोला, उस मुद्दे को खूब बुनाया गया और विपक्ष ने उसी पर ही पलटवार किया, तो क्या विपक्ष के मुद्दे या वादे दब गए वहां पर, या एग्जिट पोल के नतीजे यही इशारा कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, केंद्र सरकार के लिए जो लोकसभा का जो चुनाव है, पिछले 10 वर्षों से अगर हम उसका आकलन करें तो नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य रहे हैं, या उनको, या उन्होंने देश को लेकर के जो निर्णय लिए,
मुझे लगता है एक एक मजबूत नेता की उनकी छवि बनी है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो या इंडी गठबंधन ने अपना कोई नेता पहले से सेलेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर वो नेता सेलेक्ट किए होते तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक च्वाइस आती और उसके आधार पर लोग मतदान करते। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके के का एक परसेप्शन बीजेपी ने क्रिएट किया, मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी विपक्ष के पास जो है उसकी कोई बहुत बड़ी काट नहीं रही है। और विपक्ष 5 वर्षों ठीक से लगातार जो मुद्दे उठाता रहा है उन्हीं मुद्दों को फिर चुनाव पर आया, है। जिसको लेकर के जनता के बीच में ठीक हाँ, अब संदेश देखना नहीं है दिया। कि मुद्दों का असर पड़ता है या चुनावी एजेंडों का असर पड़ता है या महा एग्जिट पोल का भी असर दिखेगा, ये देखना होगा 4 जून को। बहरहाल वक्त समाप्त हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।